खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहलन व सहलन व मरहबा, अब्दुल वहाब आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल और कुफार मक्का की कुछ तारीख बयान की गई है। वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक दयालुदार वगैरह कहा करते थे, इसे इनकार नहीं था। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ या रसूल हूँ, तो उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि उनकी सरदारी चली जाएगी। तो आज कुछ इसमें तारीखी बातें हैं, आइए मैं तो आपके सामने तलावत करता हूँ, तो वजह से सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون। आइए तर्जुमा देखते हैं। और उनमें बास लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह उसको ना समझें, और उनके कानों में बोझ है। अगर वह तमाम निशानियां देख लें तब भी उन पर ईमान ना लाएंगे, यहाँ तक के जब वह तुम्हारे पास तुमसे झगड़ने आते हैं तो वो मुनकिर कहते हैं कि ये तो बस पहले लोगों की कहानियां हैं। वह लोगों को रोकते हैं और खुद भी उससे अलग रहते हैं। वह खुद अपने को हलाक कर रहे हैं मगर वो नहीं समझते। और अगर तुम उनको उस वक्त देखोगे जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे और कहेंगे काश हम फिर भेज दिए जाएं, तो हम अपने रब की निशानियों को न झुटलाएं और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। अब उन पर वह चीज खुल गई जिसको वह उससे पहले छुपाते थे, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो फिर वही करेंगे जिससे वह रोके गए थे, और बेशक वह झूठे हैं। आइए तफसीर देखते हैं। मौजूदा इम्तहान की दुनिया में आदमी को ये मौका हासिल है कि वो हर बात की मुफीद मतलब तौजीह कर सके। इसलिए जो लोग तासुब का जहन लेकर बात को सुनते हैं उनका हाल ऐसा होता है जैसे उनके कान बंद हों और उनके दिलों पर पर्दे पड़े हुए हों। वह सुन करके भी नहीं सुनते और बताने के बाद भी नहीं समझते। दलायल अपनी सारी वजाहत के बावजूद उनको मुतमईन करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वह जो कुछ सुनते हैं मुजादला के जहन से सुनते हैं। देखिए, ये एक नए वर्ड है ना, मुजादला झगड़ा करना, आपस में झगड़ा करना। क्योंकि वह जो कुछ सुनते हैं मुजादला के जहन से सुनते हैं, न कि नसीहत के जहन से। उनके अंदर बात को सुनने और समझने का कोई इरादा नहीं होता। उसका नतीजा ये होता है कि उस बात का असल पहलू उनके जहन की गिरफ्त में नहीं आता। उसके बरक्स हर बात को उल्टी शक्ल देने के लिए उन्हें कोई ना कोई चीज मिल जाती है। दलायल उनके जहन का जुज नहीं बनते,
अपने मुखालिफाना जहन की वजह से वो हर बात में कोई ऐसा पहलू निकाल लेते हैं जिसको गलत माना देकर वो अपने आप को बदस्तूर मुतमइन रखें कि वो हक पर हैं। जो लोग ये मजाज रखते हों उनके लिए तमाम दलाइल बेकार है, क्योंकि इम्तहान की इस दुनिया में कोई भी दलील ऐसी नहीं जो आदमी को उसे रोक दे कि वह उसकी तरदीद के लिए कुछ खुद साख्ता अल्फाज न पाए। अगर कोई दलील न मिल रही हो तब भी वह हकालत के साथ ये कहकर उसको नजरअंदाज कर देगा, ये कौन सी नई बात है, ये तो वही पुरानी बात है, ये तो वही पुरानी बात है जो हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। इस तरह आदमी उसकी सदाकत को मान कर भी उसको रद्द करने का एक बहाना पालेगा। ऐसे लोग खुदा के नजदीक दोहरा मुजरिम हैं, क्योंकि वह न सिर्फ खुद हक से दुखते हैं बल्कि खुदाई दलील को गलत माना पहना कर आम लोगों की नजर में भी उसको मशकूक बनाते हैं, जो इतनी समझ नहीं रखते कि बातों का गहराई के साथ तज्जिया कर सके। दुनिया की जिंदगी में इस किस्म के लोग खूब बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं। दुनिया में हक का इनकार करके आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए वह गलत फहमी में पड़ा रहता है। मगर कयामत में जब उसको आग के ऊपर खड़ा करके पूछा जाएगा तो उन पर सारी हकीकतें खुल जाएंगी। अचानक वह उन तमाम बातों का इकरार करने लगेगा जिनको वह दुनिया में ठुकरा दिया करता था। आइए तलावत सुनते हैं। वकालू इन्हीं इल्ला हयातुना दुनिया وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون अफला ताकिलून। आइए तर्जुमा देखते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी तो बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और फिर हम उठाए जाने वाले नहीं, और अगर तुम उस वक्त देखते जबकि वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है, वह जवाब देंगे हाँ हमारे रब की कसम ये हकीकत है। खुदा फरमाएगा अच्छा तो आजाब चखो उस इनकार के बदले जो तुम करते थे। यकीनन वह लोग घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया। यहाँ तक कि जब वह घड़ी उन पर अचानक आएगी तो कहेंगे हाय अफसोस, उस बाब में हमने कैसी कोताही की और वह अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जिसको वह उठाएंगे, और दुनिया की जिंदगी तो बस खेल तमाशा है और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा का रखते हैं, क्या तुम नहीं समझते। आइए तफसीर देखते हैं। जब भी कोई आदमी हक का इनकार करता है या नफ्स की ख्वाहिशात पर चलता है तो ऐसा उस बिना पर होता है कि वह ये समझ कर दुनिया में नहीं रहता कि मरने के बाद वह दोबारा उठाया जाएगा और मालिक कायनात के सामने हिसाब किताब के लिए खड़ा किया जाएगा। दुनिया में आदमी को अख्तियार मिला हुआ है जिसको वह बेरोक टोक इस्तेमाल करता है, उसको मालो दौलत और दोस्त और साथी हासिल हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है, उसको अकल मिली हुई है जिसे वह सरकशी की बातें सोचे और अपने जालिमाना अमल की खूबसूरत तवजीह कर सके। ये चीजें उसको धोखे में डालती हैं। वह खुदा के सिवा दूसरी चीजों पर झूठा भरोसा कर लेता है। वह समझने लगता है कि जैसा मैं आज हूँ वैसा ही हमेशा रहूंगा। वह भूल जाता है कि दुनिया में उसको जो कुछ मिला हुआ है वह बतौर इम्तिहान है न कि बतौर इस्तेहकाक।
आइए इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट तफसीर उन्होंने बयान किया है। तफसीर सामने है, इस किस्म की जिंदगी ख्वाब आखरत का इनकार करके हो या इनकार के अल्फाज बोले बगैर हो, तवज्जो से सुनेंगे, इस किस्म की जिंदगी ख्वाब व आखरत का इनकार करके हो या आखरत या इनकार के अल्फाज बोले बगैर हो, आदमी का सबसे बड़ा जुर्म है जो दुनियावी जिंदगों को आदमी अपना सब कुछ समझकर उन पर टूटता है। आखिर हक आखिर किस हक की बिना पर वह ऐसा कर रहा है? आदमी जिस रोशनी में चलता है, जिसमें जिस हवा में सांस लेता है, उसका कोई मुआवजा उसने अदा नहीं किया। यानी आदमी जिस रोशनी में चलता है, सूरज की रोशनी, और जिस हवा में सांस लेता है, तो उसका तो कोई मुआवजा यानी बदला तो नहीं दे रहा है। वह जब जिस जमीन से अपना रिज्क निकालता है, उसका कोई भी जुज उसका बनाया हुआ नहीं है, यानी जमीन से जो कुछ निकल रहा है। वह तमाम पसंदीदा चीजें जिनको हासिल करने के लिए आदमी दौड़ता है, उनमें से कोई चीज नहीं जो उसकी अपनी हो। ये सब चीजें इंसान की पैदा की हुई नहीं है। जो उन तमाम चीजों का मालिक है, क्या उसका उसका आदमी के ऊपर कोई हक नहीं? हकीकत यह है कि आदमी का मौजूदा दुनिया को इस्तेमाल करना ही लाजिम कर देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गैर लोगों के लिए, गैर मुसलमान के लिए, हकीकत ये है कि आदमी का मौजूदा दुनिया को इस्तेमाल करना ही लाजिम कर देता है कि वह एक रोज उसके मालिक के सामने हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा। जो लोग दुनिया को खुदा की दुनिया समझकर जिंदगी गुजारे, उनकी जिंदगी तकवा की जिंदगी होती है, और जो लोग उसको खुदा की दुनिया ना समझे, उनकी जिंदगी लहुलैब यानी खेल तमाशा, लहुलैब की जिंदगी होती है। लहुलैब की जिंदगी चंद रोज का तमाशा है जो मरने के साथ खत्म हो जाएगा, और तकवा की जिंदगी खुदा के अबदी उसूलों पर कायम है, इसलिए वो अबदी तौर पर आदमी का सहारा बनेगी। मौजूदा दुनिया में आदमी इन हकीकतों का इनकार करता है, मगर इम्तहान की आजादी खत्म होते ही वो उसका इकरार करने पर मजबूर होगा, अगरचे उस वक्त का इकरार उसके कुछ काम न आएगा। قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون। आइए तर्जुमा देखते हैं। हमको मालूम है जो कुछ वो कहते हैं उससे तुमको रंज होता है। ये लोग तुमको नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहे हैं, और तुमसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ पहुंचाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उनको हमारी मदद पहुंच गई, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और पैगम्बरों की कुछ खबरें तुमको पहुँच चुकी हैं, और अगर उनकी बेरुखी तुम पर गिरा गुजर रही है, तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके लिए कोई निशानी ले आओ, अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम नादानों में से ना बनो। कबूल तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, फिर वह उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। आइए तफसीर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तफसीर। अबू जहल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम हम तुमको नहीं झुटलाते, यकीनन तुम हमारे दरमियान एक सच्चे आदमी हो, मगर हम इस चीज को झुटलाते हैं जिसको तुम लाए हो। मक्का के लोग जो ईमान नहीं लाए, वह आपको एक अच्छा इंसान मानते थे।
मगर किसी के मुताबिक ये मानना कि उसकी जबान पर हक जारी हुआ है उसको बहुत बड़ा एजाज दे देना है, और इतना बड़ा एजाज देने के लिए वह तैयार न थे। आपको जब वह सच्चा या ईमानदार कहते तो उनको ये नफसियाती तस्कीन हासिल रहती कि आप हमारे ही सतह के एक इंसान हैं। मगर इस बात का इकरार कि आपकी जबान पर खुदा का कलाम जारी हुआ है आपको अपने से ऊंचा दर्जा देने के हम माना था, और इस किस्म का एतराफ आदमी के लिए मुश्किल तरीन काम है। पगड़ी उछल जाती है तो ऐसा ही होता है ना, उछलने लगती है पगड़ी। तो मौजूदा दुनिया में खुदा अपनी बराह रास्त सूरत में सामने नहीं आता, वह दलायल और निशानियों की सूरत में इंसान के सामने जाहिर होता है। इसलिए हक के दलायल को ना मानना या उसके हक में जाहिर होने वाली निशानियों की तरफ से आंखें बंद कर लेना गोया खुदा को ना मानना और खुदा के चेहरे की तरफ से खुदा की तरफ से आंखें फेर लेना है। ताहम ऐसा नहीं है, ताहम ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा मजबूर कुन मोजिजात के साथ सामने आए। मजबूर कुन मोजिजात के जल में खुदा की दावत पेश की जाए तो फिर इख्तियार की आजादी खत्म हो जाएगी, और इम्तहान के लिए आजादाना अख्तियार का माहौल होना जरूरी है। दाई को इस बात का गम न करना चाहिए कि उसके साथ सिर्फ दलायल का वजन है, गैर मामूली किस्म की तस्खीरी कुव्वतें उसके पास मौजूद नहीं। दाई को इस फिक्र में पड़ने के बजाय सब्र करना चाहिए। दावत हक की जदोजहद एक तरफ दाई के सब्र का इम्तहान होती है और दूसरी तरफ मुखातिबीन के लिए इस बात का इम्तहान है कि वो अपने जैसे एक इंसान में नुमाइंदा खुदा होने की झलक देखें। वह इंसान के मुंह से निकले हुए कलाम में खुदाई कलाम की आजमतों को पालें। वह मादी जोर से खाली दलाल के आगे इस तरह झुक जाएं जिस तरह वह जोरावर खुदा के आगे झुकेंगे। जिंदा लोगों के लिए सारी कायनात निशानियों से भरी हुई है, और जिन्होंने अपने एहसासात को मुर्दा कर लिया हो वह कयामत के जलजले के सिवा किसी और चीज से सबक नहीं ले सकते। जनाब यही तक तलावत, इंशाल्लाह ताला फिर कलाम नेक्स्ट डे तलावत करेंगे। बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करते रहे ताकि मैं मुकम्मल कुरान आप लोगों की खिदमत में पेश करूं, और हाँ जरूर तलावत को सुने तवज्जो के साथ और अपने घरों में एहतमाम के साथ तलावत कुरान में तर्जुमा और तफसीर का एहतमाम करें। बहुत ज़रूरी है कुरान के मानक और मफहूम को समझना। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।